hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hello everyone, welcome back to my channel. So, kaise hain aap log? तो आज मैं एक केट रेडी विद मी करने वाली हूँ, क्योंकि 14th फरवरी आने वाला है और 14th फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे आने वाला है. तो वैलेंटाइन डे के दिन अगर आप सजना चाहते हैं या अगर आप डेट पे जाना चाहते हैं, वैसे बेबी होने के बाद तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग तो कब से डेट पे नहीं गए हैं, पर हम लोग इसके साथ जिस तरह से इन्जॉय करते हैं वो भी टाइम प्रीशियस है अपने में. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गेट रेडी विद मी की. और जब तक हम तैयार होंगे अद्विक हमें यहाँ से देखेगा. हेलो अद्विक, हाय हाय. ओ बेबी, क्या कर ले आप? चलो मम्मा तैयार होगी और आप मम्मा को देखोगे. सबसे पहले मैं चेंज करने वाली हूँ अपने कपड़े. तो मैं पहन रही हूँ ये टॉप जो है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप क्रॉप टॉप के शौकीन हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ये टॉप फॉर डे नाइट. ये है इन पर्पल कलर, बहुत ही प्यारा टॉप है ये और फुल स्लीव टॉप है. उसके फ्रंट में ये दो डोरियां मिलेगी, इससे आप जो टॉप है उसका फ्रंट एडजस्ट कर सकते हो. बहुत ही प्यारी टॉप है. टॉप पहन लिया है, मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बालों से. मेकअप से पहले अपने हेयर कर लूंगी, क्योंकि मेकअप करने के बाद बालों को डन करना बहुत ही बुरा काम लगता है मुझे. तो आज मैं सोच रही हूँ कि स्पाइरल कर्ल्स किए जाएं, मतलब थोड़े से टाइट कर्ल्स किए जाएं फॉर डेट नाइट. कॉम्ब करने के बाद मैं ले रही हूँ ये ब्रॉन्सन प्रोफेशनल का स्पाइरल कर्ल करने के लिए. लाइक टाइट कर्ल्स आपको करने हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये ले रही हूँ मैं और इससे एकदम टाइट कर्ल्स जो हैं वो हम करेंगे. मैं ये मामा अर्थ के एक्वा ग्लो जेल मॉइस्चराइजर से, ये काफी अच्छा है फॉर ऑयली स्किन एंड है ये बहुत लाइक हाइड्रेटिंग और लाइट वेट है. अब मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर और ये जो है ये आपके पोर्स को फिल करने में काफी हेल्प करेगा. बेबी, माय बेबी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. आपको पता है बच्चे के साथ मेकअप, खाना पीना और जब घर पे कोई ना हो तब राजा आने ही वाले हैं और उनके आते ही हम थोड़ा सा काम जो है वो उनके पास कर देंगे. आफ्टर प्राइमर मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की परफेक्ट मैच पेन स्टिक. ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अफोर्डेबल है. एक्चुअली मैंने ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, अगर आप कुछ अफोर्डेबल देख रहे हैं तो स्विस ब्यूटी इज़ फॉर यू. विथ फिंगर टिप्स ही मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद फॉर आई मेकअप मैं ले रही हूँ ये स्पॉटलाइट की यू कैन बी पैलेट. इसमें से मैं ये जो लाइट पर्पल शेड है वो ले रही हूँ, उसे मैं एज अ ट्रांजिशन कलर रखूंगी. उसके बाद हम जो पर्पल है उसे थोड़ा बिल्डअप करेंगे. मैं कलर को डिपॉजिट करना शुरू कर रही हूँ पहले, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे. मैं ले रही हूँ फ्लफी ब्रश और इससे जो अपना बेस जो हमने आई शेडो डिपॉजिट किया था उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. कलर मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ जो हमने कलर डिपॉजिट किया था उसके बाजू में आपको मिलेगा इस तरह डार्क कलर, उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी और साथ में उसे अपनी आईलिड की तरफ पुश करूंगी. वो कलर मैंने डिपॉजिट कर लिए हैं, अब हम जाएंगे अपने थर्ड कलर पे. एंड ये जो है ये सबसे ज्यादा डार्क है, ये डार्क पर्पल में है और इसे मैं अपनी जो आईलिड है उस पर डिपॉजिट करूंगी.
तो थोड़ा सा कलर जो सेकंड मैंने लिया था वो अपनी आईलेट की तरफ पुश किया है, बट ये हमारा मेन आईलेट का मैं ले रही हूँ वापस वही ब्लेंडिंग ब्रश एंड इसे मैं हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना शुरू करूंगी। मैं ये शिमरी पर्पल कलर ले रही हूँ, आईलेट पे लगा रही हूँ। शिमरी पर्पल था वो मैंने अप्लाई किया एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लाइनर और जो लाइनर है वो अप्लाई करते हैं हम लोग। SQL की वाइट लाइनर वाइट आई पेंसिल एंड इसे मैं अपनी आईलेट पे लगा लूंगी। तो जब भी आप कभी वाइट पेंसिल यूज करते हैं तो उसके नीचे कोई ना कोई लाइक आपके आउटर लैश लाइन पे कोई ना कोई कलर यूज जरूर करिए, वरना आप जो भूतिया गुड़िया होते हैं ना वैसे लगते हो। मैं सब कुछ क्लीन कर लूंगी, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का कंसीलर। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. अब मैं ले रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक से ब्लश। The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. की आईब्रो फिलिंग पैलेट, इससे मैं ग्रे शेड लेती हूँ हमेशा आईब्रो फिल करने के लिए एंड अब मैं जो अपनी आईब्रो है वो फिल करूंगी। आई मेकअप को फिनिश करने के लिए मैं पर्पल शेड ले रही हूँ जो सेकंड नंबर पे हमने ली थी, उसे मैं अपनी आउटर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। Lions gonna come, the birds have just begun. We were अब इसे थोड़ा सा डिफ्यूज करेंगे विथ ब्लैक कलर। We'll always take a stand for the people, for the land. Let's go back. अभी फॉल्सीज लगानी है, उससे पहले मैं लिपस्टिक जो है वो लगा रही हूँ। ये है NYB की शेड नंबर है इसका स्नगल सीक्रेट शेड नंबर 15। ये बहुत ही प्यारा सा ब्राउन टोन है। For the animals we stand. Let's go back to
कंप्लीट करने के लिए पहनने वाली हूँ मैं ये व्हाइट कलर की सैंडल। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स।